हेलो वेलकम बैक टू बिश आज डिश में हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल सिजलर्स जी हाँ सिजलर्स उसके दो पोर्शन बनाएंगे जैसे एक एक है राइस और एक है ग्रेवी सिंपल सी डिश है आप घरेलू इनग्रीडियंट्स से बना सकते हैं जो कि इंग्रीडियंट बहुत इजिली अवेलेबल होते हैं तो चलिए बनाते हैं वेजिटेबल राइस पहले राइस के लिए आपको ये सब इनग्रीडियंट्स रेडी रख देने हैं जो कि है वन कप बीन्स वन कप ऑनियन हाफ कप फाइनली चॉप्ड कैरेट हाफ कप बॉयल्ड स्वीट कॉर्न क्वार्टर टी स्पून चिली फ्लेक्स वन टीस्पून स्पून और हाफ टीस्पून रेड एंड ग्रीन चिली एंड सेवन टू एट क्लाव ऑफ गार्लिक एंड थ्री क्यूब्स ऑफ क्रिएटेड चीज अब टेक बटर और इन कढ़ाई कढ़ाई में बटर या घी लीजिए और एक बार वो गरम हो जाए तो ऑनियंस ऐड कर दीजिएगा ऑनियंस ऐड करके अच्छे फ्राई कर, कर दीजिएगा और ऑनियन्स लाइट पिंक हो जाए फिर उसके अंदर आपको लहसन ऐड कर देना है लहसन ऐड करने के बाद उसे फ्राई कर दीजिएगा फ्राई करने के बाद एक बार लहसन का अच्छा सा सुगंध आ जाए फिर आप रेड और ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं सब कुछ हाई फ्लेम पे कीजिएगा और कॉन्स्टेंटली उसे मिक्स कर दीजिए करते रहिएगा अब आपको हाफ कप कैरेट डाल देना है और अच्छे से फ्राई करना है हाई फ्लेम पे अब हा वन कप फाइली चॉप बीन्स डाल देने हैं अब हाफ कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाल देने हैं अच्छे से फ्राई कर दीजिएगा हाई फ्लेम पे अब फ्लेम थोड़ा लो करके वन टीस्पून स्पून डाल देना है क्वार्टर टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल देना है हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देना है और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक उतना ही डालना है जितना वेजिटेबल्स के लिए नेसेसरी है क्योंकि अपने चावल में जब अपन बॉयल करते हैं तो ऑलरेडी नमक आ चुका होता है तो खाली वेजिटेबल्स के अनुसार ही सॉल्ट डाल दीजिएगा और अभी हाफ कप बॉयल्ड बासमती राइस डाल दीजिएगा हाफ बॉयल्ड मतलब कच्चे पके हुए अभी मिक्स कर दीजिएगा और ग्रेटेड चीज़ डाल दीजिएगा ग्रेटेड चीज अगर आपको ऐसे नहीं डालने क्योंकि लम्स हो जाते हैं ऐसे तो डायरेक्टली आप चावल में ही ग्रेट कर सकते हैं उसको ताकि लम्स ना पड़े और आपको ईजी रहे मिक्स करने में तो एक बार ये हो जाए तो फिर अच्छे से सबको मिक्स कर दीजिएगा और आपके चावल बिल्कुल रेडी है आप इसके इसको कोतम्री के साथ गार्निश कर सकते हैं और सब सिजलर में असेंबल करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि है ग्रेवी वाले वीडियो में मैं समझा दूंगी बट इस वीडियो में आप खाली राइस का देख लीजिए आप कोई भी शेप का यूटेंसिल सकते हैं छोटा सा कटोरी ले सकते हैं या फिर मैंने यहाँ यहाँ पे जैसे यूज़ किया है वैसे भी आप यूज करके ऐसे असेंबल कर सकते हैं नेक्स्ट पोशन है जो कि ग्रेवी उसके लिए आपको दूसरा वीडियो का लिंक क्लिक कर देना है तब तक के लिए आप ये राइस ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय